श्री सुदामा जी जब प्रभु के यहाँ पधारे द्वारिका में, और भगवान द्वारकाधीश ने स्वयं उनके श्री चरणों को धोया, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं उपहृत्या वनिद्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत शिरसाराजन भगवान लोक पावन। ये भगवान कहने की क्या जरूरत थी, लोक पावन कहने की क्या आवश्यकता थी? अरे भाई, कोई राजा कोई क्षत्रिय एक ब्राह्मण का चरणामृत नहीं ले रहा है। जिन भगवान के चरणों से प्रकट हुई श्री गंगा जी त्रिभुवन पावनी है, पतित पावनी है, विष्णु पादोद्भवा गंगा साक्षात ब्रह्मद्रव स्वरूपा है, जिन गंगा जी के जल की एक कणिका मुख में चली जाए तो सद्य संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा जी के केवल दर्शन हो जाए तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगे तब दर्शनान मुक्ति ही न जाने स्नान जम फलम, स्नान का फल क्या है मैं नहीं कह सकता, आपके तो दर्शन से मुक्ति हो जाती है। ऐसी भगवती विष्णु पादोद्भवा गंगा जिनके चरणों से निकली हैं, जो इतना पवित्र करने वाली हैं, ऐसे लोक पावन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं। ब्रह्मण्य देव भगवान उनके चरणों को धो रहे हैं, और अग्रहीत संस्कृतज्ञ लोग बैठे हैं। अग्रहीत माने भगवान चरण धोकर केवल छिटकते नहीं, अग्रहीत भगवान चरणामृत पान करते हैं, सिरसा फिर शेष चरणामृत को अपने मस्तक पर सिंचन करते हैं। इस प्रकार से सभक्ति पूर्वक परम तपोधन सुदामा विप्र का अर्चन करते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण की रानी पटरानी द्वारिका वासी उग्रसेन अक्रूर उद्धव आदि सब अपने मन में विचार करने लगे कि किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, जिसकी वेशभूषा भिक्षुक के जैसी है, अवधूत जैसी है, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया था जो साक्षात द्वारिकानाथ वैकुंठनाथ श्री कृष्ण चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। द्वारिका लीला ऐश्वर्य लीला है। मथुरा में ही भगवान चतुर्भुज हो गए, प्रगट भी चतुर्भुज हुए, फिर मथुरा लीला हुई, फिर चतुर्भुज हो गए, और चतुर्भुज होने के बाद फिर संपूर्ण कृष्ण चरित्र में चतुर्भुज हैं। इसलिए गीता में अर्जुन भी यही कहते हैं, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो विश्वमूर्ते तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण भव, उसी चतुर्भुज रूप से आप हमें दर्शन दीजिए। भगवान चतुर्भुज हैं, और जब भगवान अपने ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हैं तो वहां ब्रह्मादि देवता भी भगवान का स्तवन करते हैं, नारद शनकादिक भगवान का स्तवन करते हैं, वेद विग्रहाकार होकर मूर्तिमंत होकर भगवान का गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं। अब भगवान ठाट से द्वारकाधीश के रूप में बैठकर श्रवण करते हैं, किसी को दो फूल भी नहीं चढ़ाते हैं, और ये ब्राह्मण इसको अपने सिंहासन पर बिठा दिए। सिंहासन नहीं, माता जी लिखा है जिस पर्यंक पर रुक्मिणी के साथ वे विराजते हैं उस पर्यंक पर बिठा दिया, स्वयं रुक्मिणी के सह चरणों में बैठे।
तपस्या का तो ये फल नहीं हो सकता, साधना का ये फल नहीं हो सकता, पुण्य का भी फल नहीं हो सकता, लेकिन कार्य रूप में कुछ दिखाई पड़े महाराज जी, कार्य रूप में कुछ दिखाई पड़े तो उससे कारण का अनुमान अपने आप हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत है कारणाभावे कार्याभावः, कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, कारण के बिना कार्य होता नहीं, तो कारण क्या है? आप कहते हैं कि पुण्य नहीं, तप नहीं, जप नहीं, कोई साधन नहीं, कोई उपासना नहीं, कि कारण क्या है? सभी लोग विचार रहे हैं कारण, लेकिन निर्णय पर कोई नहीं पहुंचता है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी है, तो मन में विचार कर रहे हैं कि समस्त द्वारिका वासियों के हृदय में एक ही प्रश्न कौंध रहा है, मेरी रानी पटरानियों में भी एक ही प्रश्न कौंध रहा है, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महर्षि यहाँ विराजमान है उनके मन में भी एक ही प्रश्न कौंध रहा है, यहाँ बड़े बड़े देवता विराजमान है उनके मन में भी एक ही प्रश्न कौंध रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रश्न यही है कि इस ब्राह्मण की ऐसी कौन सी साधना है जिससे श्री कृष्ण इसका इतना आदर कर रहे, चरणामृत ले रहे, पूजन कर रहे हैं। हा हा हा, इस श्लोक को प्रायः लोग ध्यान नहीं देते हैं, भागवत के सप्ताह वाचन करने वाले लोग भी इस श्लोक पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे तो संपूर्ण सुदामा चरित्र का प्राण है ये श्लोक। ये नहीं कहा तो समझो आपने सुदामा चरित्र में कुछ नहीं कहा। आप लोग कहेंगे ये ऐसा क्या है, उसमें भगवान उत्तर दे रहे हैं कि इन सुदामा ब्राह्मण की जो मैंने पूजा की है इसके मूल में है इनकी गुरु उपासना, गुरु प्रत्याशक्ति, गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति। इनकी गुरु भक्ति पर हम बिक गए हैं, हम न्यौछावर हो गए हैं, और सुदामा जैसी गुरु भक्ति रखने वालों की हम इसी तरह से पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोक है, इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन वा, तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु शुश्रूषया यथा। हे द्वारिका वासियों, हे मेरी रानियों पटरानियों, हे देवगंधर्व यक्ष किन्नर सिद्धो, जैसी गुरु सेवा इस ब्राह्मण ने की है ऐसी गुरु सेवा मेरे अवतार काल में मुझे लगता किसी दूसरे के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए शंकर जी मेरे चरणोदक को जटाओं में गंगा के रूप में धारण करते हैं, ब्रह्मा जी मेरे चरणामृत को कमंडल में धारण करते हैं, पर मैं इस ब्राह्मण के चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूं। गुरु शुश्रूषया यथा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।